दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो बहुत सारे लड़का का क्वेश्चन आया था कि सर मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहता हूँ और मैं बीटेक कर चुका हूँ, तो क्या मैं बीटेक करने के बाद क्या मैं मरीन इंजीनियरिंग यानी मर्चेंट नेवी में इंजीनियरिंग पोस्ट पर जा सकता हूँ। तो आप मेरा वीडियो पूरा देखिए, मैं क्लियर करता हूँ कि यदि आप बीटेक कर चुके हैं यानी अगर आप इंजीनियरिंग कर चुके हैं तो क्या आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, मैं अपना यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ और ये है मेरा चैनल सेलर अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा चैनल मर्चेंट नेवी इंक्वायरी। दोस्तों देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने बीटेक किया हुआ है, बीटेक में अगर वो भी आप अगर मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हैं यानी मैकेनिकल में आपने बीटेक की डिग्री ली हुई है, तब आप मर्चेंट नेवी आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो भी ज्वाइन करने के लिए एक प्रोसेस होता है कि अगर आपने 4 साल का बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है तो आपको 1 साल का GNM कोर्स करना पड़ता है जिसका नाम है ग्रेजुएट मैरीन इंजीनियरिंग, GME कोर्स जिसका पूरा नाम होता है ग्रेजुएट मैरीन इंजीनियरिंग। वो करने के बाद आप शिप पर जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप GME करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको IMUCET यानी इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन इंट्रेंस टेस्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके बाद आपको कंपनी स्पॉन्सरशिप देगी यानी आपकी जॉब 100% फिक्स हो जाएगी। उसके बाद आप किसी भी कॉलेज में जाकर GME यानी ग्रेजुएट मैरीन इंजीनियरिंग का 1 साल का कोर्स करें और इसकी कोर्स की फ़ीस आप लोगों को कम से कम 4 से 5 लाख रुपए लगेगी। उसके बाद आप शिप पर आसानी से जा सकते हैं और इंजन डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियरिंग के पोस्ट पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये थी कि जो लड़के बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हुए हैं वे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर IMUCET का एग्ज़ाम दें। अगर एग्ज़ाम में क्लियर कर जाते हैं तो आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी, आपको कंपनी जॉब दे देगी। उसके बाद आप 1 साल का GME कोर्स करेंगे ग्रेजुएट मैरीन इंजीनियरिंग। उसके बाद आप शिप पर एज ए जूनियर इंजीनियरिंग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद कुछ लड़के बोलते हैं कि सर मैं मर्चेंट नेवी में क्या इंजीनियरिंग कर सकता हूँ। हाँ, तो मर्चेंट नेवी में आप जैसे बीटेक इन्हें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इन्हें सिविल इंजीनियरिंग, बीटेक इन्हें इलेक्ट्रिकल इन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग करते हैं, उसी प्रकार बीटेक इन्हें मैरीन इंजीनियरिंग भी होता है। तो ये 4 साल का बीटेक कोर्स होता है, लेकिन इसको भी आपको करने से पहले आपको IMUCET का टेस्ट देना पड़ता है जिसका पूरा नाम है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन इंट्रेंस टेस्ट। अगर आप ये एग्ज़ाम दे देते हैं, अगर आपकी अच्छी रैंक आती है तो आपको कॉलेज मिलेगी और जैसे ही आप कॉलेज में जाते हैं तो आपका एक स्पॉन्सरशिप टेस्ट होता है, वो आप क्लियर कर लेते हैं तो जॉब आपको पहले ही प्रोवाइड करा दी जाती है। उसके बाद 4 साल का आप ये कोर्स कीजिए। इस कोर्स का फीस आपको 12 से 15 लाख रुपये लगेंगे और GME और ये बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग 4 साल का कोर्स होता है। ये करने के बाद आपको शिप पर जॉब मिलेगी, आप जूनियर इंजीनियरिंग के रूप में ज्वाइन करेंगे। तो देखिए, अब बहुत सारे लड़के का क्वेश्चन है कि सर मैं पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लूँ उसके बाद बीटेक GME करूँ कि मैं बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करूँ। तो देखिए, अगर आप मर्चेंट नेवी में जाना ही चाहते हैं तो आप डायरेक्ट बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करें, 4 साल का कोर्स हो जाएगा। लेकिन अगर आप बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर चुके हैं तो आपको 1 साल का और कोर्स करना पड़ेगा जिसका नाम है GME यानी ग्रेजुएट मैरीन इंजीनियरिंग। तो आपको 5 साल का टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आप मैरीन इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप बीटेक इन मैरीन इंजीनियरिंग करके शिप पर ज्वाइन कर सकते हैं। और सैलरी की बात हुई तो मैं सैलरी की बात बता देता हूँ कि सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं है। आप बीटेक इन मैरीन इंजीनियरिंग करके जाएंगे तो जूनियर इंजीनियरिंग पर जाएंगे, या बीटेक या ग्रेजुएट मैरीन इंजीनियरिंग भी करके जाएंगे तो उसी रैंक पर यानी जूनियर इंजीनियर के रैंक पर ही जाएंगे। सैलरी आपकी स्टार्टिंग $350 होती है जो इंडिया के रुपीज़ में 25 या 26 हज़ार रुपये बनती है। तो अब बहुत सारे लड़के कॉलेज का नाम भी बोलते हैं। तो देखिए, कॉलेज के नाम में आता है IMU कोलकाता यानी इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कोलकाता, डायमंड हार्बर के पास है। उसके बाद ARI आता है, अप्लाइड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो मुंबई में। उसके बाद TS रहमान आता है, TS चाणक्य आता है और तोलानी आता है। ये सब टॉप के कॉलेजेस हैं, इसमें अगर आपकी एडमिशन हो जाती है तो आपका फ्यूचर बन जाएगा। तो अगर आपको भी मर्चेंट नेवी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे कमेंट में जाएं, कमेंट सेक्शन में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वहाँ पर कमेंट करें, मैं डेफिनेटली वहाँ पर आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।